लुक आ रहा है। तो फाइनली हमारे कर्ली हेयर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में कि मेरा ने कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया और किस तरीके से ये कर्ली हेयर ये इतना नेचुरल लुक आ रहा है। मैं कल रात को 9:10 के अराउंड 9:30 का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पर मैंने अपनी फ्रेंड से ये अपनी सारा पार्टीशन करके मैंने दोनों साइड से हेयर को ग्रूथ करवाया। और उसके बाद मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो उसके बाद मैंने ये अपनी सारी चोटियाँ खोल ली और उसके बाद ये आपको लुक देखने को मिल रहा है। तो बाकी वो मैं आगे आपको क्लिप्स में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने हेयर ग्रूथ किए थे कल रात को, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वीडियो आपको स्किप मत कीजिएगा। बैक टू माई चैनल, आई एम काव्य राजपूत, आ गई हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं, गेस कीजिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा मैंने अभी हेड वॉश किया है, मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। और बाकी आप लोगों को पता ही है हम लोग डेली वीडियो शूट करते हैं तो हम ज़्यादा कर्ली हेयर नहीं करा सकते हैं। और मैं तो वैसे भी मैंने क्योंकि स्मूदनिंग रिबॉन्डिंग इतना सारा हेयर कलर इतना केमिकल यूज़ किया हुआ है बालों में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा डर रहता है कि बाल बिल्कुल डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए कर्ली कोई भी कर्ली हेयर कराने से या फिर स्ट्रेटनिंग वगैरह कराने से। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा कुछ घरेलू चीज़ें नुस्खे अपनाए जाएं। तो आज मैं गुंजन के साथ करने वाली हूँ। गुंजन से हाय। हाय। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हेयर कलर करने वाले हैं विदाउट हेयर कलर मशीन के साथ। पक्का? यस पक्का हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। तो अभी रात हो रही है, अभी 9:10 हो रहे हैं, तो फाइनली अभी हम हेयर ग्रूथ करने वाले हैं, ग्रूथ वाली चोटी करने वाले, तो गुंजन करने वाली है गुंजन की हेल्प से। अब हम कल देखते हैं कि हमारे बाल कितने कर्ल होते हैं और किस तरीके से उनके हाथ है जो इस तरफ चल रहे हैं। और ये मेरी एक चोटी है जो ग्रूथ हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये देख रहे हैं ये सेकंड चोटी ग्रूथ कर रही है मिस गुंजन। आप लोग, मेरी इतनी सारी गुद हो चुकी है और गुंजन पूरे फोकस के साथ मेरी चोटी गुद करने में लगी हुई है। तो कल मॉर्निंग में कैसा रिजल्ट आने वाला है गुंजन? बिल्कुल फैंटास्टिक। वैसे ना इसने मेरे से बेट लगाई है कि ये मेरे कर्ली हेयर करके रहेगी कल। अब yes. देखते हैं ये जीतते हैं मैं जीतती हूँ। मैं जीतूंगा ऑब्वियसली, सी बात है। मेरे बेटा स्ट्रेट हेयर है, पता चलेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, घरेलू नुस्खे। ओके मैडम। जैसे कि आप लोगों को रात को हमने दिखाई था कि मैंने अपने सारे पूरा बीच का पार्टीशन डिवाइड करके मैंने ये इतने सारे कर्ल्स किए थे, ये कर्ल्स मेरी फ्रेंड गुंजन ने किए थे। तो फाइनली अब मैं खोल रही हूँ और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट निकल के आता है। वैसे गुंजन ने तो मुझसे बैट लगाई थी कि डेफिनेटली ये तेरे कर्ल्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसको बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मेरे स्ट्रेट हेयर हैं तो नहीं हो पाएगा। बट देखते हैं जल्दी से कैसा रिजल्ट निकल के आता है। लग तो रहा है कर्ल्स हो गए हैं, क्या बात है, गुंजन जीत गई। अभी पूरे हेयर देखते हैं उसके बाद पता चलेगा। फटाफट से खोलते हैं, एक तो इतनी सारी चोटी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको खोलने में। वाओ, नेचुरल लुक, इतना परफेक्ट कर्ल निकल के आएगा ये मैंने नहीं सोचा था सीरियसली। तो अभी हम धीरे धीरे करके अभी हम सारी चोटी ओपन करने वाले हैं। 15 minutes later. जबरदस्त लुक आया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है लड़कियां अपने बालों को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव होती हैं, मतलब डेली डेली सैलून नहीं जा पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जिनका हेयर का कम वॉल्यूम है तो वो इस तरीके से दो पार्टीशन में गुद करके वो अपना हेयर का वॉल्यूम भी इस तरीके से थोड़ा फ्लफी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने अगर बालों की बात करूँ, मेरा बहुत ही लाइट हेयर है तो मेरा बालों का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जैसे मैंने ये ग्रूथ किया हुआ है तो मैंने कर्ल किया ग्रूथ करके, तो मेरा बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, पर मेरे बाल इतने हैवी नहीं है जिस तरीके से अभी वीडियो में दिख रहे हैं आप सबको।
तो आप लोग भी इस तरीके से अपना हेयर का वॉल्यूम कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं गुद करके। और जैसे कि हम डेली सैलून नहीं जाते हैं और हम बार बार अगर कर्ल्स कराते भी हैं सैलून जाके तो हमारे बालों में हीट लगता है जिसकी वजह से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आप सबसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सैलून ना जाके कुछ इस तरीके से अपनी फैमिली में, अपनी दादी से, मॉम से, किसी से भी, फ्रेंड से, किसी से भी अपने दोनों बालों को पार्टीशन करके आप गुद कर सकते हैं। गुद भी बहुत सारे डिजाइन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं आप लोग। जिस तरीके से आप करेंगे उस तरीके से ही आपको और ही बेटर लुक आके मिलेगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी और 3 से 4 आइडियाज उसमें शेयर करूंगी कि और किस तरीके से हम अपने बालों को गुद करके कर्ली हेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए तो मैंने यही वाला मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें थोड़ा सा क्रिम्पी, जिसमें ज्यादा कर्ल्स नहीं है, बट ये आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम देता है आपके हेयर को और बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंट लुक देता है, जिसमें कि आपको कहीं पे भी आप पार्टी वेयर में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आप आ जा सकते हैं और आपको ये वाला लुक बहुत ही पसंद आने वाला है।